मंदसौर शहर की जीवनदायिनी यानी कि शिवना नदी जलकुंभी की चपेट में है। हालत यह है कि प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी शिवना नदी से जलकुंभी नहीं हट पाई है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि शिवना में पानी नहीं बल्कि जलकुंभी नजर आ रही है। हालांकि वक्त वक्त पर नगरपालिका शिवना नदी में सफाई अभियान शुरू तो करती है, लेकिन शिवना की सफाई हो उससे पहले सफाई अभियान खत्म हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार नगरपालिका की जिम्मेदार शिवना नदी को जलकुंभी से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं। जलकुंभी को हटाने के लिए साल 2021 में मशीन का सहारा लेकर भी सफाई करवाई गई और दावा किया गया कि अब शिवना में जलकुंभी नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ ही समय में फिर से जलकुंभी की चादर बिछ गई और जिम्मेदारों के दावे खोखले साबित हो गए। शिवना नदी में फैली गंदगी का खामियाजा कहीं न कहीं आम जनों को दूषित पानी पीकर भी भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शिवना नदी विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के करीब से गुजर रही है। देश के तमाम राज्यों के साथ दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं, बावजूद इसके नगर पालिका की उदासीनता बरकरार है। जानकारों के मुताबिक कई जगह शिवना नदी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है, जिसके कारण शिवना नदी में नाइट्रेट, कठोरता, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो रही है। कई बार शिवना के पानी की जांच में इन तत्वों की मात्रा अधिक पाई गई। यह तत्व जलीय पौधों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। यही वजह है कि जलकुंभी को पर्याप्त भोजन मिलता है और यह विशाल रूप में फैलने लगती है। इस संबंध में नगर के रहवासी हनीफ शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से होकर गुजर रही है। भारत ही नहीं दूसरे देशों से भी श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और वो शिवना में फैली जलकुंभी को देखते हैं। नगरपालिका की उदासीनता के कारण करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी जलकुंभी साफ नहीं हो पा रही है। जलकुंभी होने से दूषित पानी भी नगरवासियों को मिल रहा है। हमारे यहां इतनी अच्छी नदी होने के बाद भी नगरपालिका इसे साफ नहीं कर पा रही है। मंसूर की जीवन यात्री जो नदी है शिवना और जो भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर से होकर निकलती है और जिस तरह जो आज पूरे भारत ही नहीं अनेक देशों से वहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जब वो शिवना का इस विकराल रूप को देखते हैं और जिस तरह से जलकुंभी से पूरी शिवना पटी हुई है, ये नगर पालिका की उदासीनता और शासन की उदासीनता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जलकुंभी साफ नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं दूषित पानी भी मंदसौर का जो भूजल स्तर है उससे दूषित पानी मंदसौर के लोगों को पीने को मिल रहा है। जब तक जलकुंभी साफ नहीं होगी, दूषित पानी साफ नहीं होगा, तो इसका निराकरण नहीं होगा। लेकिन प्रशासन ने फिर भी इसमें गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है कि मंदसौर का एक पहचान है शिवना नदी के नाम से भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है। काफी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ जो गंदगी देखते हैं और जिस तरह से शिवना प्रदूषित हो रही है, जलकुंभी और जो गंदा पानी उसमें मिलाया जा रहा है, ये बड़ा शासन प्रशासन के लिए एक प्रश्न चिन्ह मंदसौर की जनता के द्वारा है कि हमारे यहाँ कितनी बढ़िया नदी होने के बाद भी हम उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगरपालिका के कार्यपालन यंत्री पीएस धारवे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बीच में सफाई करवाई गई थी, पानी फिल्टर करने के बाद ही नगरवासियों को दिया जा रहा है। इस बार जलकुंभी ज्यादा फैल गई है। रतलाम में जलकुंभी साफ करने की मशीन मौजूद है। हाल ही में नगरपालिका अध्यक्ष ने रतलाम महापौर से बात की है, जल्द ही मशीन मंगवा कर सफाई करवाई जाएगी। बीच में सफाई करवाई गई थी, अभी वो रतलाम से बात करेंगे। गाड़ी जलकुंभी सफाई करने की गाड़ी है उनके पास, उसको लाके सफाई करने की अभी करेंगे कार्रवाई। दूषित पानी तो जैसे कहीं लीकेज होने पे हो सकता है, वो पाइपलाइन थ्रू से आ रहा है, तो पानी को शुद्ध तरह फिल्टर करके ही सप्लाई किया जा रहा है। अभी इस बार ज़्यादा हो गई है, तो अभी जल्दी रतलाम कमिश्नर साहब से बात करके गाड़ी ला के सफाई करेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे। नहीं, इसके पहले भी बात हुई थी जलकुंभी की, अध्यक्ष महोदय ने महापौर से बात भी की थी रतलाम, तो उनकी चर्चा हुई है। तो वहाँ पे शायद चल रही थी मशीन, इसलिए दे नहीं पाए। अभी और चर्चा करके मंगाते, इसी वीक करने कोशिश करेंगे, जल्दी जलकुंभी सफाई हो जाए। लोकल 18 के लिए मंदसौर से शादाब चौधरी की रिपोर्ट।